हेलो ऑल, वेलकम बैक ऑन मिस्टर मनोज चैनल। दोस्तों मैं हूं रामकेश, गेम डेवलपर, यूट्यूबर एंड ब्लॉगर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक की लेटरल एंट्री के बारे में। एक मेरा वीडियो था एमकेट का, और उस पर कमेंट आया हुआ था एक स्टूडेंट का, जो जानना चाहते थे लेटरल एंट्री क्या होती है और उसके बारे में कुछ डिटेल्स। तो दोस्तों लेटरल एंट्री के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम लोग लर्निंग के ट्यूटोरियल्स, बीटेक, बीसीए, इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे स्टफ यहाँ पे पोस्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे वीडियो। सो गाइस, अगर हम लोग लेटरल एंट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बीटेक में एंट्री करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए आपको दो तरह की एंट्री होती है। पहला तो रेगुलर एंट्री और दूसरा लेटरल एंट्री। अगर आप पहला रेगुलर एंट्री लेते हो तो आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाते हो, या किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन लेते हो, तो वो होता है आपका रेगुलर एंट्री। अब बात करते हैं लेटरल एंट्री के बारे में। दोस्तों लेटरल एंट्री में आपका एडमिशन होता है सेकेंड ईयर में, और वो एडमिशन उन्हीं का होता है जो डिप्लोमा किए रहते हैं 3 साल का। आपको पता है डिप्लोमा दो कैटेगरी होती है, एक में 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं और एक में 3 साल का। तो जो 3 साल का किए रहेंगे उन्हीं का एंट्री होता है बीटेक में, वो भी सेकेंड ईयर में डायरेक्टली। अब गाइस बात यह है कि अगर सबने 3 साल कंप्लीट कर लिया है डिप्लोमा, तो क्या सबका एंट्री हो सकता है एज अ लेटरल एंट्री में? सो आंसर है नहीं। उसके लिए भी डिपेंड करता है कि कॉलेज सबका लेटरल एंट्री से एंट्री नहीं हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि कॉलेज का क्या पैरामीटर्स है। कुछ कॉलेज 60% मांगते हैं, कुछ कॉलेज 60+ मांगते हैं, मीन्स 75-70। तो ये टोटली डिपेंड करता है किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो 60+ पे आपका एडमिशन ले लेते हैं। और गाइस कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि क्या प्लेसमेंट का फर्क पड़ता है अगर हम लोग लेटरल एंट्री से एडमिशन लेते हैं, तो आंसर इज नो। इसका रीज़न ये है कि अगर आप कंपनियों में, और ज़्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, तो कंपनियां जैसे आती हैं, आप चाहे लेटरल एंट्री से हो या रेगुलर एंट्री से आप बीटेक कर रहे हो, आपके प्लेसमेंट में इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। बट ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आपको मैं शेयर करना चाहूँगा, और शायद आप भी एग्री करोगे, कि जो लोग डिप्लोमा करके बीटेक करने आए रहते हैं उनकी जो स्किल होती है, उनका जो नॉलेज होता है, वो थोड़ा डीप होता है इस कंपेयर टू जो रेगुलर बीटेक करने वाले स्टूडेंट होते हैं। रीज़न इसका यह है कि ऑलरेडी वो एक मिनी इंजीनियरिंग करके आए होते हैं, तो जिसकी वजह से उनका नॉलेज काफ़ी बेटर होता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे क्लास में लेटरल एंट्री से 2 से 3 लोग आए हुए थे, और उनका जो नॉलेज था वो काफ़ी बेटर था, इवन डेटा स्ट्रक्चर में भी, क्योंकि उनको ऑलरेडी वो डिप्लोमा में पढ़ के आए थे। तो ये था लेटरल एंट्री के ऊपर मेरा वीडियो। अगर हो सकता है कि मैंने कुछ स्किप कर दिया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा उसको एक्सप्लेन करने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने मेरे ब्लॉगिंग चैनल मिस्टर आर के को चेकआउट नहीं किया, सो प्लीज़ गो चेकआउट, कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।